फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। पैसे के लेन देन में युवक पर फायर, हाथ में लगी गोली। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के विभीषण नगर में हुई घटना, तीन आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। राजनिवास रेप कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार, सिविल लाइन पुलिस ने की कार्यवाही, 5,000 का था इनाम। बाबा के लिए आरोपी मोनू ने उपलब्ध कराया था शराब, आरोपी घटना के बाद से चल रहा था फरार। उक्त मामले में अभी तक 9 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार, अन्य संदिग्धों की चल रही है जांच। स्टेट मेरिट में स्थान बनाने वाले प्रतिभावान छात्रों का किया गया सम्मान, बोर्ड परीक्षा के प्रतिभावान छात्रों व उनके अभिभावकों का संभागायुक्त, कलेक्टर व SP ने की मौजूदगी में हुआ अभिनंदन। नई शिक्षा नीति में छात्रों को 20 क्रेडिट पाना जरूरी, अन्यथा फेल माने जाएंगे। पहले साल नई नीति के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों का अभी परीक्षा कार्यक्रम हो रहा तैयार, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत दिया जा रहा प्रवेश। पार्क की देखभाल करने वाले श्रमिक की बेटी की शादी के लिए मोहल्ले वासियों ने की मदद, निवर्तमान पार्षद नम्रता संजय सिंह की पहल पर धूमधाम से हुई शादी। कचरा मुक्त शहर बनाने में प्लास्टिक सामग्री है बाधा, जिस पर चलाया जाएगा अभियान। नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता में जुटी टीम की बैठक में दिए गए निर्देश। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर बाजारों में रही रौनक, करोड़ों की हुई धन वर्षा, करीब 40 करोड़ से अधिक की बाजार में बिक्री होने का अनुमान। दिन भर बाजार में जमा रही भीड़, धूमधाम के साथ मनाया गया ईद का त्यौहार। लोगों ने गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद, मुल्क में अमन चैन की मांगी दुआ, प्रशासन ने किए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जयस्तंभ बचाने समाज सेवियों ने जलाए दीप, 69वें दिन भी जारी रहा सत्याग्रह। जमीन से 4 फीट ऊपर झूल रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, 2 दिन पूर्व आए तूफान में हाई टेंशन लाइन आ गई थी नीचे, सूचना के बाद भी बिजली कंपनी ने नहीं कराई मरम्मत। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हिनौता गांव निवासी अमित कोल हुआ दुर्घटना का शिकार। भीषण गर्मी के बीच गेहूं बेचने को मजबूर किसान, सुविधाएं नदारद, बधवाद खरीदी केंद्र पर तौल के नाम पर हो रही लूट। नहीं है टेंट और पानी की व्यवस्था, नई गढ़ी के किसानों ने लगाए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। अगरबत्ती की मशीन देने के नाम पर झारखंड निवासी व्यापारी विशाल कुमार ने की ठगी, 50,000 जमा करवाने के बाद भी नहीं मिली मशीन। पीड़ित भास्कर दत्त मिश्रा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। रेस्टोरेंट में हुए विवाद से हसीये से हमला, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ड्राइव रेस्टोरेंट ताला हाउस के पास हुई घटना। पीड़ित निखिल मोटवानी की शिकायत पर अमितेश मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। महर्षि स्कूल के पास खड़ी मोटरसाइकिल चोरी, समान थाना क्षेत्र निवासी रजनीश कुमार तिवारी की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर चोरी। 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गुड़ थाना क्षेत्र के नरहा में हुई घटना, पुलिस मर कर जांच में जुटी। घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराया, सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बीणा निवासी राम नरेश शर्मा के घर हुई चोरी की वारदात। युवक ने की किशोरी के साथ छेड़छाड़, गलत नियत से हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने का किया प्रयास। शोर शराबा करने पर आरोपी भागा, पीड़िता की शिकायत पर राजवल पांडे के खिलाफ छेड़छाड़ पास्को एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला। तेज रफ्तार वाहन ने बलोरे मारी टक्कर, वाहन में बैठे अरविंद पटेल के साथ 3 अन्य हुए घायल। मनगवा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मढ़ी प्राथमिक शाला के सामने हुई घटना, पुलिस ने बिना नंबर के हाईवे के खिलाफ दर्ज किया मामला, तलाश जारी। सुहागी थाना क्षेत्र में हुआ किशोरी का अपहरण, अज्ञात 2 व्यक्तियों पर अपहरण का आरोप, पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर शुरू की जाँच। धारदार चाकू लेकर किसी बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे युवक को लौर पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। पकड़े गए आरोपी प्रफुल्ल दुबे दी निवासी मझगवा को किया गया न्यायालय में पेश।